हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सपोनेंशियल्स एवं लॉगरिथम फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करना है इनको देखेंगे। तो सभी छात्र देखें पहले। तो सबसे पहले ये दो फार्मूले हैं बेसिक, इनको नोट कर लेंगे बच्चे। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम, ई एक्स का डेरिवेटिव होता है ई एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो अब हम इनका यूज करके क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.4। यहाँ पर वाई इक्वल टू दिया हुआ है ई एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर को फिक्स रखेंगे और ई एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई एक्स माइनस। अब हम ई एक्स को न्यूमिरेटर को फिक्स रखेंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो हम सिंपल करते हैं, ई एक्स कॉमन निकल जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकेंड में वाई इक्वल टू ई साइन इनवर्स एक्स। तो हमने यहां माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल 1/√1 एक्स स्क्वायर। तो यहां पर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या बताया, डी बाय वाई डी टी इक्वल ई का डिफरेंशियल, ई की पावर टी है तो ई इसका डिफरेंशियल ई टी होगा। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, डी बाय वाई डी एक्स इक्वल डी बाय वाई डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। तो डी बाय वाई डी टी कितना है, ई टी और डी टी अपॉन डी एक्स है √1 एक्स स्क्वायर। यहां पर टी की वैल्यू वापस रख देंगे, यह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो हम यहां पर y इक्वल टू साइन t और t इक्वल टू मानेंगे हम टेन इनवर्स u और u मानेंगे e पावर माइनस एक्स। क्लियर, अब हम सॉल्व करते हैं। तो डी बाय वाई डी टी, डी वाई बाई डी टी कितना होगा, कॉस टी, डी टी अपॉन डी यू कितना होगा 1/1 यू स्क्वायर और डी यू अपॉन डी एक्स कितना होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको चाहिए डी वाई बाय डी एक्स। तो यह हो जाएगा डी वाई बाय डी टी अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स। यहां सभी के मान रख दो, ये हो जाएगा कॉस टी, डी टी अपॉन डी यू कितना है 1/1 यू स्क्वायर और डी यू अपॉन डी एक्स कितना है माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो माइनस ई पावर माइनस एक्स साथ में कॉस, और टी किसको माना था हमने, टेन इनवर्स यू, यू कितना था ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1+ यू स्क्वायर, यू कितना है ई की पावर माइनस एक्स।
और स्क्वायर होने की वजह से e की पावर माइनस टू एक्स, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से सभी छात्र, अब हम इसको देखते हैं फिफ्थ में, y इक्वल टू दिया हुआ है log cos ex, तो y इक्वल टू हम लेके चलते हैं log u, u इक्वल टू लेके चलते हैं cos t, और t इक्वल टू लेके चलते हैं e की पावर x। तो हम देखते हैं कि dy अपॉन du इक्वल टू वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी टी, कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन टी, और डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल ई एक्स। अब हमको चाहिए है डी वाई बाय डी एक्स, का मान आ जाएगा डी वाई बाय डी यू, डी यू अपॉन डी टी और dt अपॉन डी एक्स। मान पुट कर दो तो डी वाई अपॉन डी यू कितना है वन वाई यू, और डी यू अपॉन डी टी कितना है माइनस साइन टी, और डी टी अपॉन डी एक्स है ई एक्स। यू की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस साइन टी, टी कितना है ई एक्स इंटू ई एक्स अपॉन यू, यू कितना है कॉस ई की पावर एक्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू।